हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ के नोट्स देखने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स दोनों हमारे चैनल पर अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के देख लीजिएगा। अभी हम इस वीडियो में नोट्स देखने वाले हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी इस चैप्टर के हैं सभी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी एक ही जगह, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि सिक्स सेंचुरी बीसी तक जो रिलीजियस वर्कशिप थे इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा रिचुअलिस्टिक और रिजिड बन चुके थे, और कास्ट रूल्स वगैरह की वजह से मतलब काफ़ी लोगों के नए नए विचार आने लगे। काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने भगवान को मानने लगे, पूजा वगैरह सबके अलग अलग रिचुअल्स ही थे। अब काफ़ी सारे थिंकर्स को इसने फोर्स किया टू गिव अ वर्ल्डली लाइफ एंड मेडिटेट इन सर्च ऑफ पीस एंड इनलाइटमेंट। काफ़ी सारे जो थे, इनलाइटमेंट की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी गलत है, इसको आप सही से लिख दीजिएगा, कि काफ़ी सारे जो थिंकर्स थे अब वो सोचने लगे कि हमें ये जो दुनिया है, वर्ल्डली जो लाइफ है, इस सब को छोड़ छाड़ के हमें चले जाना है जंगल में या कोई ऐसी जगह जहाँ हमें शांति मिले मेडिटेशन करने। तो कुछ लोगों का ये मानना हो गया, कुछ थिंकर्स जो थे, थिंकर्स मतलब सोचने वाले, अपनी अपनी सोच होती है, हर किसी की एक जैसी नहीं होती, कुछ थिंकर्स जो थे अपनी इस टीचिंग को उपनिषद और नए नए मतलब अभी हम टू न्यू रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो पॉपुलराइज हो गए थे गौतम बुद्ध से, गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के और जैनिज्म के लॉर्ड महावीर। तो ये वाली बुद्धिज्म और जैनिज्म तो बहुत ही ज़्यादा फैलने लगी थी, नए मतलब दो रिलीजन आ गए थे, न्यू मान लो, यानी न्यू आ गए थे ये। कुछ थिंकर्स अपनी टीचिंग जो है उपनिषद के थ्रू पहुंचाते थे। अब उपनिषद क्या होती हैं, देखिए जैसे जैसे व्यापार बढ़ा था अराउंड 600 बीसी के दौरान, तो पीपल के पास कम टाइम होता था रिचुअल्स को परफॉर्म करने का, और फोकस करते थे वो राइट बिलीफ पे। तो कुछ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किए, जितने भी रीति रिचुअल्स वगैरह होते हैं ना, मतलब कि हवन वगैरह सारे के सारे रिचुअल्स जो होते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये सब गलत है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और लिटरली उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टीचर, यानी उपनिषद तो टीचर के पास बैठकर उनसे ज्ञान लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका था वेदास का। इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट इलेबोरेशन ऑफ वेदास, दस इट्स इलस्ट्रेशंस एंड कंक्लूजन्स वर कॉल्ड वेदांता। और इसके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं और इसमें जितना भी ज्ञान वगैरह कंक्लूजन वगैरह दे रखे हैं, इनको हम वेदांता कहते हैं, जो उपनिषद में दे रखे हैं। उपनिषद स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू क्रिएट अ डिज़ायर फॉर नॉलेज टू अचीव मोक्ष। आप बोला जाता है उपनिषद पढ़ने से, मतलब उपनिषद से आपका जो है स्ट्रेस कम होगा, या फिर आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगी और मोक्ष प्राप्ति होगी। और ये जो उपनिषद है वो फोकस इस पे करती हैं कि हमें खुद पे ऑन द फैक्ट द नॉलेज ऑफ आत्मा, यानी सेल्फ शुड बी एक्वायर्ड इन रिलेशनशिप विद परमात्मन अल्टीमेट रियलिटी। मतलब कि काफ़ी सारी फिलॉसफीज़ हैं फिलॉसफर्स के द्वारा दी गई हैं, तो उनमें से काफ़ी सारी फिलॉसफी तो ये है कि अल्टीमेट रियलिटी जो मतलब एक ही परमात्मा है, या फिर हमें अपने अंदर बिलीव करना चाहिए, अपने अंदर ही भगवान होते हैं, या फिर ऐसा कुछ, बहुत सारी ऐसी फिलॉसफीज़ हैं। काफ़ी उपनिषद ने उन पर फोकस भी किया है। तो ये जो फिलॉसफी है वो दी थी काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने, जैसे कि यहाँ पर उन सभी के नाम दिए गए हैं, जैसे कि याज्ञवल्क्य हो गए, मैत्रेय गार्गी, आयतरया, तो ये सारे के सारे एक्सेट्रा दिए गए हैं। अब मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीर, अब लॉर्ड महावीर जैनिज्म में थे, तो फिर उनका क्या मैसेज था। तो लॉर्ड महावीर जो थे ये यूजुअली जो है जैनिज्म के फाउंडर हैं, जैसे गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के हैं, इसी तरीके से उन्होंने जगह अपना जो पैलेस था उसे छोड़ा और काफ़ी सालों तक मेडिटेशन करी थी। उन्हें सुप्रीम नॉलेज मिल गई थी 13 साल करने के बाद ही उन्हें ये सब मिला, उन्हें प्राप्ति हो गई नॉलेज की, पूरी सुप्रीम नॉलेज उनके पास हो गई। फिर वो कंट्रोल कर सकते थे अपने इंद्रिया जो होती है ना, सेंसेस जो होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते थे, उन पे उनका कंट्रोल होने लगा, और इसलिए उनको जिना भी कहा जाता है, और उनके जितने भी फॉलोवर्स उन्हें जैन्स कहा जाता है। महावीर ने अपना रिलीजन कैसे स्प्रेड किया, तो महावीर जो है वाइडली घूमे और जैनिज्म के लिए उन्होंने मतलब इधर उधर प्रीचिंग का मतलब होता है अपनी बातें बताना या फिर शिक्षा देना। तो वो इधर उधर घूम के पूरे मतलब कंट्री में वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं, या फिर कंट्री में ही बोला गया, तो पूरी कंट्री में वो लोग घूमे महावीर जो थे, और उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स दी।
30 ईयर्स तक उन्होंने उन्हें रॉयल सपोर्ट भी मिला था, जैसे किंग बिम्बिसारा हो गए मगध के और प्रादियोते हो गए अवंती के, उन्होंने भी इन्हें हेल्प करी थी रिलीजन स्प्रेड करने में। तो राजाओं ने भी मदद करी, कुछ उनके फेमस डिसिपल्स थे आनंद और सूरदेव एक्सेट्रा, मतलब इनके जो होते ना शिष्य फेमस वो थे। उसके बाद डॉक्ट्राइंस ऑफ जैनिज्म, अब महावीर ने 5 डॉक्ट्राइंस दी थी, यहाँ पर ना डॉक्ट्राइंस होगा डॉक्ट्राइंस नहीं होगा डॉक्ट्राइंस दी थी। ये इसमें पहली थी कि मतलब ये सारी चीज़ें हमें माननी है कि सबसे पहले तो हमें जो है इंजर नॉट टू इंजर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ मतलब अपने आप को इंजर नहीं होने देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, किसी की प्रॉपर्टी वगैरह प्रोसेस नहीं करनी, एंड टू वो जैसिटी। तो ये सारी की सारी इन्होंने दी थी 5 डॉक्ट्राइंस। तो ये 5 हो गए, सबसे पहले नॉट टू इंजर लाइफ, फिर झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, उसके बाद संपत्ति जो होती है प्रॉपर्टी नहीं रखनी, और व्रत शुद्धता, ठीक है, ये सारी की सारी हो गई हमारी डॉक्ट्राइंस ऑफ चैनिस में। उसके बाद दिस कुड बी अचीव्ड, अब ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम, राइट नॉलेज राइट एक्शन और राइट फेथ से, ये डॉक्ट्राइंस थे जैनिज्म के। अब जैन संघों के बारे में बात कर रहे हैं और डिवीजन इन जैनिज्म के बारे में, तो पावन नगर जो है महावीर ने वहाँ पर एक डिबेट में एंटर किए थे ब्राह्मण्स के साथ और उन्होंने ब्राह्मण्स को भी इम्प्रेस कर दिया था। तो उनकी मदद से उन्होंने एक फाउंडेशन चलाई थी जैन संघ के नाम की, और जो जैन संघ के मेम्बर थे उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो भिक्कूज, एक भिक्कुनीज, श्राविक्स और श्राविकर्स। तो पहले के जो 2 थे वो तो मतलब पहले के 2 एस्थेटिक्स थे और बाकी के 2 जो हाउस होल्डर्स होते हैं वो थे। तो पहले के 2 जो थे, फर्स्ट 2 कैटेगरीज जो हैं, ये तो सन्यासी जो लोग होते हैं, ठीक है, मतलब जो संसार का सुख होता है उसको छोड़ के एकदम वो सन्यास ले लेते, वो हो गए पहले की 2, ठीक है, पहले की 2 कैटेगरीज। फिर अदर 2 जो है हाउस होल्डर्स, जो हाउस में रहते थे, ठीक है। ग्रेट इग्रेशन ऑफ जैन अंडर भाद्रबहु 2 साउथ इंडिया डिवाइड द रिलीजन इंटू 2 कल्ट्स। अब तो भाद्रबहु की मदद से मतलब जैनिज्म वगैरह काफ़ी फैला साउथ इंडिया तक, और फिर ये रिलीजन 2 कल्ट्स में डिवाइड हो गया था। ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर्स महावीर के थे जो भाद्रबहु को होल्ड करते थे हाई एस्टीम में, गो कम्प्लीटली ने एक, दे आर कॉल्ड दिगंबरस। तो जो एकदम अच्छे वाले फॉलोवर थे महावीर के वो तो एकदम थे दिगंबरस, ठीक है, दिगंबरस। और फिर जो अदर सेक्ट था वो पार्श्वनाथ के फॉलोवर्स जो थे वो वाइट क्लोथ्स पहनते थे, उनको हम श्वेतंबरस कहते थे, श्वेतंबरस, श्वेतंबरस पढ़ लिए, दिगंबरस पढ़ लिए। तो ये हमारे पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नोट्स में। आई होप ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।